स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। नमस्कार दोस्तों, समाजवादी पार्टी एग्जिट पोल्स को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि चलो भाई एग्जिट पोल तुम्हारा, मगर 10 मार्च हमारा होने वाला है। और सबसे दिलचस्प प्रतिक्रिया आई है जयंत चौधरी की तरफ से। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि भैया भाजपा के वोट तो कोको ले गई, एग्जिट पोल में कहां से आएगा। उन्होंने क्या कहा है बाद में बताऊंगा, मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि इस मुद्दे में आरजेडी सुप्रीमो तेजस्वी यादव ने भी दखल दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है समाजवादी पार्टी को। क्या चेतावनी, कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अलग अलग राजनीतिक दल एग्जिट पोल्स पर क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर अखिलेश यादव, अखिलेश यादव कह रहे हैं एग्जिट पोल पर अखिलेश यादव ने कहा आखिरी चरण में पूर्वांचल की जनता ने बीजेपी का सफाया कर दिया है। सारे चरण मिलाकर समाजवादी पार्टी और गठबंधन की बहुमत की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं 2017 और 2019 को भूल चुका हूं, इस चुनाव में जनता ने बुनियादी सवालों को आगे रखा, बेरोजगारी और गरीबी का मुद्दा भी रखा। उत्तर प्रदेश का सीएम बनने पर क्या करेंगे वाले सवाल पर अखिलेश ने कहा कि वो जल्दी में नहीं है, 10 मार्च का इंतजार करेंगे फिर बताएंगे। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर जयंत चौधरी का सबसे दिलचस्प जो है उनकी प्रतिक्रिया रही है। वो कह रहे हैं एग्जिट पोल क्या करेंगे, जब वोट कोको ले गई, गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने बहुत संघर्ष किया है, बस अब धैर्य से शांतिपूर्वक मतगणना में सहयोग करें। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस वक्त समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन और उनसे जुड़ी जो तमाम छोटी छोटी पार्टियां हैं वो सब यही कह रहे हैं कि एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी को आगे इसलिए दिखलाया जा रहा है ताकि गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं उनके हौसले पस्त हो जाएं। मगर बहुत दिलचस्प तस्वीरें सामने उभर कर आ रही है और मैं चाहूंगा आप ये तस्वीर देखें। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं हस्तिनापुर से, मेरठ जिले से, योगेश वर्मा इनका नाम है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाकायदा दूरबीन के जरिए वो निगरानी रख रहे हैं कि भैया ईवीएम में कुछ गड़बड़ी तो नहीं होगी। अब उनसे कहा गया है कि काउंटिंग वाले दिन भाजपा जो है वो गड़बड़ कर सकती है, इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि किसी तरह से ईवीएम्स पर कोई आंच नहीं आए। दोस्तों आज जैसे कि आप जानते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस मौके पर अखिलेश यादव ने भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ग्रामीण महिलाओं की तस्वीर के साथ लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। मगर मैं चाहूंगा आप लखनऊ की ये तस्वीरें देखें। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आज एक मैराथन का आयोजन किया गया इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर। जिस तरह से जनता की भीड़ उमड़ी है वो बहुत ही जबरदस्त है। मैं नहीं जानता हूं कि कांग्रेस किस तरह का कमाल करने वाली उत्तर प्रदेश के चुनावों में, मगर यकीनन इस मोर्चे पर कांग्रेस लगातार अपनी तरफ से कोशिशें जरूर कर रही है। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो का एक अंश देखें फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा एग्जिट पोल्स पर प्रियंका गांधी वाड्रा को भी भरोसा नहीं है। उन्होंने क्या कहा है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा है आपके स्क्रीन्स पर। एग्जिट पोल आने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि जितना संभव हो सकता था हमने उतना कड़ा संघर्ष किया, अब हम 10 मार्च का इंतजार करेंगे और परिणाम देखेंगे। यानी कि बहुत ज्यादा आशावादी जो हैं वो प्रियंका गांधी वाड्रा दिखाई नहीं दे रही हैं अगर उनके इस बयान पर गौर करें। दोस्तों मैं आपको एक चीज बतलाना चाहता हूं, जब बिहार के नतीजे आए थे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आरजेडी समर्थक ये बात कह रहे थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ तेजस्वी यादव ये बात कह रहे थे,
कई पत्रकार, कई वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि बिहार में भी स्थानीय प्रशासन की मदद से जिन जगहों पर आरजेडी के नुमाइंदे को विजेता घोषित किया गया था, वहां पर रहस्यमय तरीके से नतीजे को पलट दिया गया और सर्टिफिकेट कुछ और दे दिया गया। और आप जानते हैं कि इसे चुनौती तेजस्वी यादव ने भी अदालत में दी थी, वो मामला वैसे का वैसा वहीं जो है लटका हुआ है। उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है समाजवादी पार्टी को और कहा है कि 10 मार्च वाले दिन सावधान, क्योंकि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। सुनिए। आने वाली है और अखिलेश जो है वो आने वाले हैं, और वही नहीं, गोवा में कांग्रेस की जहां तक हमको लगता है सरकार आएगी, उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार आएगी, पंजाब में हो सकता है कड़ा मुकाबला हो, लेकिन कहीं भी बीजेपी जो है वो नजर जो है आ रही है। और अगर काउंटिंग में थोड़ी जो है सावधानी रखने की जरूरत है, हर एक चीज जो है लोगों को नजर डालने की जरूरत है। बिहार में भी हम लोगों ने काउंटिंग में देखा था कि कई ऐसे 10-12 सीटें हैं जो आज हमारे विधायक होते वो कोर्ट गए हुए, जहां वोटेज इतनी पड़ी उससे ज्यादा वोट निकल करके आ गया, कई जगह घोषणा के बाद भी जो है किसी और को सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो इस तरह की अगर व्यवस्था होगी तो लोगों को वहां नजर डालने की जरूरत है। और हम तो ये कहेंगे जब तक आखिरी वोट काउंट नहीं हो जाता, लोग जो है निश्चिंत जो है एकदम ना हो आखिरी वोट तक। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा, क्योंकि जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि एग्जिट पोल्स के नतीजे से यह प्रमाणित हो गया कि 10 मार्च को क्या होने वाला है और सिर्फ विपक्ष की बौखलाहट है, तो इस पर तेजस्वी ने क्या कहा? तेजस्वी ने कहा कि एग्जिट पोल्स में आरजेडी को कई एजेंसीज ने विजेता बतलाया था। तो क्या इसका मतलब यह कि नतीजे वाले दिन, यानी कि बिहार के नतीजे वाले दिन, भाजपा और नीतीश कुमार ने मिलकर कुछ गड़बड़ी की थी? सुनिए तेजस्वी क्या कह रहे हैं। उनको जवाब मिलेगा, वक्त आने दीजिए। यानी बीजेपी मानती है बिहार में जब एग्जिट पोल आया था तो हमारी सरकार बनना तय था, और हमारी सरकार तो बनी गई थी, ये तो चोर दरवाजे से आए थे। बिहार में जब चुनाव हुआ था तो एग्जिट पोल रिजल्ट क्या दिखा रहा था, किसकी सरकार बता रहे थे? तो ये बीजेपी के लोग, सब लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि यूपी में लोग जो है सावधान रहे, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते। तो दोस्तों, एक तरफ पूरे देश में चर्चा एग्जिट पोल्स की है, सब सांस थामे इंतजार कर रहे हैं 10 मार्च का, मगर केंद्र सरकार धीरे धीरे पीछे से क्या कर रही है आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। मैंने आपको चेतावनी दी थी अपने एक अन्य कार्यक्रम में कि महंगाई जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाली है नतीजे के तुरंत बाद। 10 मार्च से 16 मार्च के बीच के वक्त को याद रखिए, इस तारीख में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने शुरू हो जाएंगे, हो सकता है उससे पहले हो जाए क्योंकि लोग वोट डाल चुके हैं। मगर अब जो खबर आई है दोस्तों, आप पर इस पर गौर करना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में सीएनजी की कीमत 50 पैसे से लेकर 1 रुपए प्रति किलो बढ़ गई है, यानी कि अब सीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। इसके अलावा सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात नहीं, आपके सामने खबर देखिए, नागपुर में सीएनजी की कीमत अचानक बढ़ी, शहर में 3 सीएनजी पंप। तो आगाज सीएनजी के साथ हो रहा है, अंजाम पेट्रोल और डीजल के दाम से होगा, और वो आपको समझना पड़ेगा। बहुत आसान लफ्जों में मैं आपको समझाना चाहता हूं, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन में जब युद्ध शुरू हुआ था तो उससे पहले कच्चे तेल की कीमत थी $81 प्रति बैरल, समझ गए? इस वक्त जब युद्ध चल रहा है तो युद्ध के चलते उसकी कीमत कितनी हो गई है, $130 प्रति बैरल। हमारे यहां जो कच्चा तेल का उत्पादन करती हैं कंपनियां, आप जानते हो क्या कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को जल्द पेट्रोल के दाम जो हैं वो 12 रुपए बढ़ा देने चाहिए, और ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल के दाम 12 से 15 रुपए बढ़ सकते हैं। मगर सबसे खतरनाक बात, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं ये गलत साबित हो, ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है पेट्रोल और डीजल के दाम आने वाले वक्त में कुछ 2 या 3 महीनों में 25 रुपए बढ़ाए जा सकते हैं, कम से कम पेट्रोल के दाम 25 रुपए बढ़ाए जा सकते हैं। आप इसके मायने समझते हैं? क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, बिहार चुनावों के बाद 1 महीने में लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए थे, कई बार बढ़ाए गए थे। उसी तरह से
पश्चिम बंगाल के चुनावों के बाद 75 दिनों में न जाने कितनी बार इन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए थे। इसलिए आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल को लेकर चेतावनी। मगर यकीनन दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव इस बार हुए हैं ना, मैं एक चीज आपसे बताना चाहता हूं, ये मेरे फेवरेट चुनाव रहे हैं। मेरा अफसोस बस यही था कि मैं फील्ड रिपोर्टिंग नहीं कर सका, यानी कि जमीन पर नहीं जा सका इसकी रिपोर्टिंग करने। मगर जिस तरह से चुनाव हुए दोस्तों, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगे, क्योंकि अच्छी बात ये रही कि विपक्ष जम के लड़ी। और जब मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं तो इन दो चेहरों की बात कर रहा हूं, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा। जैसे मैं बार बार कहता हूं, प्रियंका के साथ दिक्कत यह है दोस्तों कि उनके पास लोगों की कमी है, बूथ लेवल कार्यकर्ता नहीं है, जातीय नेता नहीं है। मगर अखिलेश यादव के पास वो सब था, वो जमकर लड़े दोस्तों। और सबसे अच्छी बात यह थी कि प्रियंका गांधी और अखिलेश दोनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई मुद्दों पर यूटर्न करने को मजबूर कर रहे थे। जैसे कि मैंने कई बार आपको बताया, आपको याद है वो जो प्रधानमंत्री का वो बयान था कि उस बूढ़ी महिला ने मेरा नमक खाया है, अब वो और को कैसे वोट दे सकती है। तो जैसे ही प्रियंका गांधी ने फटकार लगाई थी, प्रधानमंत्री को यूटर्न लेना पड़ा था। उसी तरह से अखिलेश यादव ने भी कई मुद्दों पर भाजपा को यूटर्न करने पर मजबूर कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं ये मेरे फेवरेट उत्तर प्रदेश के चुनाव थे। अब हमें इंतजार है 10 मार्च का, और यकीन मानिए दोस्तों, इस मंच पर जो भी परिणाम आते हैं मैं उसकी बारीकी से समीक्षा करूंगा, पूरा एनालिसिस पेश करूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि ये आपके प्रति मैं अपना फर्ज मानता हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।